मुमताज की याद में। आप मेरी याद में क्या बनवाओगे? यही उम्मीद थी मुझे। कोई नहीं, देखो कोई नहीं। आज महल तो हम घूम चुके हैं, फिर इतना दूर से हम लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन पानी है ही नहीं, सूखा हुआ एकदम। ये बेटी से हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब भाई? होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक होंगे। हमारी हो चुकी है पैकिंग और अभी जो टाइम हुआ है 7:10 और हम सारे लोग हो चुके हैं तैयार। विश्वास और जॉर्ज दोनों घर पे रहेंगे, मैं, विशेष, मम्मी और इसके पापा, हम लोग जा रहे हैं आपको लेके चलते आगरा घुमाने के लिए। को मैंने खाना नहीं दिया, जॉर्ज को खाना दे देना है। पोटी करके, अच्छा पोटी उठा के चलो। हाँ मैं ले रही हूँ। हम आ चुके हैं पलवल, पहले यहाँ पे डलवाएंगे CNG, उसके बाद निकलेंगे। तो CNG हमारी गाड़ी में डल चुकी है। वाला रोड भी अच्छा बना हुआ है। तो हमें हो चुके हैं पूरे 2.5 घंटे घर से निकले हुए और अभी हम आगरा पहुंचने वाले हैं। आगरा अभी तो 30 किलोमीटर और है। हाँ 15-20 मिनट लगे, ये आधा घंटा की बोल रहे हैं, मैं 15-20 मिनट की बोल रही हूँ। देखते कितना टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे जाम वगैरह तो है नहीं। आगरा घुसेगा तो कुछ मिलेगा उतना नहीं है। आगरा पहुँचोगे तभी लग जाएगा, ताजमहल तक पहुँचोगे आगरा पहुँचने के बाद। सेकेंड टाइम आ रही हूँ मैं आगरा, उससे पहले आए थे हम लोग आज से 20 साल पहले। हेलो माँ, 20 रुपए का मिलेगा, हम 10 रुपए का दे रहे हैं। लो पहले हम लेंगे टिकट के लिए, जिससे हमें शूज वगैरह निकालने नहीं पड़े और उनके ऊपर से इन्हें पहन लेंगे और वो कवर हो जाएंगे, जैसे धूल मिट्टी अंदर नहीं जाए, क्योंकि इस तरीके से जाना वहाँ पे अलाउड नहीं है। इसलिए आ चुके हैं शाहजहाँ के शहर ताजमहल। हाँ लोकेशन तो बड़ी अच्छी लग रही है। हेलो, विशेष यहाँ पे लगा हुआ लाइन में और इतनी लंबी लाइन है, पहले यहाँ पे लेंगे टिकट उसके बाद जाएंगे अंदर। ले कितने की टिकट दिखाओ। तो टिकट हमारी आ चुकी है, ये टोकन मिले ताजमहल की टिकट। टोकन कितने का है? टोकन 50। ओके चलो, देखिए यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है, काफी लंबी लाइन है। आज भी काफी ज्यादा भीड़ भाड़ है, काफी पब्लिक आई हुई है ताजमहल देखने के लिए। तो यहाँ से करते हैं एंट्री। धूप बड़ी ही तेज निकल रही है, कड़ाके वाली। ये देखिए ताजमहल का दीदार कीजिए। तो धूप हो रही है बहुत ज्यादा, उसके बाद भी इतना ज्यादा क्राउड है ना, काफी पब्लिक आई है देखने के लिए। बताओ ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल उसने शाहजहाँ ने बनवाया। किस लिए बनवाया? मुमताज की याद में। आप मेरी याद में क्या बनवाओगे? मकबरा। सोच रहे हैं नहीं नहीं बताओ जल्दी। कुछ नहीं, यही उम्मीद थी मुझे। कोई नहीं, देखो कोई नहीं, हम जो है ताजमहल देखने आए, प्यार की निशानी है तो हम लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं, तो हम लोग ताजमहल देखने आए इसलिए। तो पहले पानी हुआ करता था और अब तो एकदम सूखा पड़ा है, पानी भी नहीं है यहाँ पे। मम्मी को समझा रहे हैं कि जो ताजमहल है किसने बनवाया और क्यों बनवाया, और फिर 20,000 आदमियों के जो कारीगर थे उनके हाथ काट दिए गए। और यहाँ पे हम लोगों ने पहने शू कवर, ये भी पहन रहे हैं, साथ में मम्मी पहन रही हैं। ये विशेष का रखा हुआ है अंदर जाने के लिए, मतलब अंदर ताजमहल को देखने के लिए इसकी टिकट अलग है, और सिर्फ इतना ही देखने के लिए टिकट थी 50 रुपीज़ की, वो हो चुकी है खत्म। अब इसके अंदर जाना है तो अलग से टिकट लगेगी।
तो अंदर जाने के लिए 200 रुपये की टिकट अलग है, मतलब पर पर्सन 200 रुपये टिकट। ये मेरी और मम्मी की है और इसके पापा और विशेष अभी आ रहे हैं, वो उधर हैं। आराम से पकड़ के चढ़ने में थोड़ी परेशानी होती है। हम लोग टॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से व्यू आप देख सकते हो, क्राउड देख सकते हो कितना ज़्यादा हो रखा है। धूप इतनी तेज है ना, बहुत ज़्यादा। ऊपर आने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं करा, लेकिन फिर इतना दूर से हम लोग आए यहाँ पे घूमने के लिए, और ऐसे कैसे हो सकता है कि नीचे से लौट के चले जाएँ, ऊपर ना आए। धूप भी देखी जाएगी और यहाँ से व्यू देखिए कितना अच्छा है। जमुना जी किधर है? सूखी पड़ी है, लेकिन इधर जमुना जी है लेकिन पानी है ही नहीं, सूखा हुआ है एकदम, क्योंकि कहीं पे जगह ही नहीं थी और तुम दोनों परेशान कर रहे थे बहुत ज्यादा। तो हम लोग अंदर घूम के आ चुके हैं और साइड में जैसे ही बाहर निकले हो आप देख सकते हो, ये है जमुना जी। पानी है लेकिन बहुत कम है, पानी ज्यादा पानी नहीं है। क्या पानी काला क्यों है जमुना जी का? पानी काला क्यों है? शेषनाग था, वो नाग देता था ना, कौन से वो शेषनागी था। शेषनागी थे, हाँ, जमुना जी में थे जो। अगर वो कोई भी जानवर का था तो मर जाते थे यहाँ का पानी पी के, तब उनका वध किया था। यहाँ पे जो हमने शू कवर पहने थे वो सारे डाले जा रहे हैं डस्टबिन के अंदर। हम घूम चुके हैं ताजमहल, तो हम घूम चुके हैं और अब हम जा रहे हैं कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। ताजमहल कैसा लगा इंग्लिश नेम को? बढ़िया लगा, मस्त। तो मैडम को तो गर्मी लग रही है क्योंकि मैडम में धूप भी नहीं लगी। यार इससे मुझे ना काफी राहत मिल गई, काफी ज्यादा अच्छा हुआ मैं इसको ले आई। लग हुआ गुड़हल के फूल लगे हुए कितने सारे। तो ताजमहल के दीदार हो चुके हैं मैडम को भी मुझे भी, तो इंग्लिश मैम देसी बॉय, ठीक है ना, दीदार कर लिए हैं। तो अब चलते हैं आपको आगे, बस इतना बोलने के लिए ना, इतना बोलने के लिए दोबारा से कैमरा मुझे ऑन करवाया, मैंने ऑफ कर दिया था, मैंने कहा ना चार्ज कर होने वाला है। देखिए चलिए भाई, इनकी भी बात सुनना बहुत ज़रूरी है। मम्मी तो थक गई, आराम कर रही हैं घास पे। क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन दे रहा मम्मी? पर्स में। तो यहाँ पे हमने लिया आइसक्रीम, सही है, ठीक है, इतने धूप में आइसक्रीम खा के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। अच्छी भी वो अच्छी भी नहीं थी ना, ये सही है। मम्मी कहाँ है? आवाज़ भी नहीं हो रही इसकी। तो ये गाड़ी हमें छोड़ेगी पार्किंग में और यहाँ से करीब 2 किलोमीटर होगा ना मुझे, 1 किलोमीटर है, क्योंकि पैदल चलने की किसी की भी इच्छा नहीं थी। गर्मी ज़्यादा हो रही है, थक चुकी है, मम्मी को चला भी नहीं जा रहा था, तो इसलिए हमने ये लिया। तो ये हम लेके आए हैं आगरे का पेठा, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, रंग बिरंगा। तो जैसे कि हम मथुरा गए थे वहाँ का पेड़ा बड़ा मशहूर है, ऐसे आगरे का पेठा बड़ा मशहूर है। टेस्ट करो और बताओ। वाओ यम्मी। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया थोड़ा सा ब्रेक, हम ये सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ हमने चाय पी है। तो यहाँ पे हम करेंगे अपना लंच, हमने लंच ऑर्डर किया है और हमारा खाना आने वाला है जहाँ पे हम लोग हुए हैं ढाबे पर। कैसा विशेष? क्योंकि मैं अच्छा है। तो यहाँ पे हमारा लंच आने वाला है, उससे पहले हो रही है हमारी सबकी प्लेट साफ। और ये आ चुके हैं हमारी तंदूरी रोटी, साथ में है फ्राई दाल और है शाही पनीर। विशेष ने ऑर्डर किया शाही पनीर। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, उसके
हिसाब से छाया ने चाय बहुत ही कड़क बनाई है। इसमें बन रही है गर्मा गर्म चूल्हे पे रोटियाँ। मिल लिया दर्शक ये रोटी दिखा तो देखते हैं बुआ जी की किस मेरी रोटी। ये देखिए थोड़ी सी यहाँ से फट गई, लेकिन मैं हाथ से सेट करूंगी इसे।